हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन का कहना है कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में कमीशन या बैच वाइज भर्ती द्वारा चयनित या नियुक्त अनुबंध से नियमित किए जा चुके व नियमित हो रहे कर्मचारियों को उनकी अनुबंध नियुक्ति की तिथि से परिष्ठता लाभ नहीं मिल रहा है, जिस कारण इन कर्मचारियों को अनुबंध अवधि के दौरान आर्थिक नुकसान के साथ साथ नियमित होने के बाद भी पदोन्नति में भी विसंगति का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन का कहना है कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में कमीशन या बैच वाइज भर्ती द्वारा चयनित या नियुक्त अनुबंध से नियमित किए जा चुके व नियमित हो रहे कर्मचारियों को उनकी अनुबंध नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इन कर्मचारियों को अनुबंध अवधि के दौरान आर्थिक नुकसान के साथ साथ नियमित होने के बाद भी पदोन्नति में भी विसंगति का सामना करना पड़ रहा है। संगठन की जिला स्तरीय बैठक बाल स्कूल हमीरपुर में आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि पूर्व में 5 से 7 वर्षों से अनुबंध पर कार्यरत क्लर्क के नियमितीकरण से पहले एक ही कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदोन्नत होकर अनुबंध पर नियुक्त क्लर्क से बिस्ट हो रहा है। यही नहीं, शिक्षा विभाग में 2008 में बैच वाइज भर्ती से नियुक्त अनुबंध नियमित टीजीटी आज तक टीजीटी ही है, जबकि 2009 में भर्ती रेगुलर जेबीटी, 2014 में टीजीटी पदोन्नत हुए और उनमें से आज कुछ पीजीटी तक पदोन्नति पा चुके हैं और कुछ शीघ्र ही पीजीटी पदोन्नत होने वाले हैं, जबकि अनुबंध से नियुक्त टीजीटी इनके बाद में नियुक्त हुए जेबीटी से कनिष्ठ हैं और पद भ्रष्टता में विसंगति का शिकार हो रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल कार्यकारिणी की मीटिंग है आज हमारे बॉयज स्कूल में, और ये हमारी जो मीटिंग है ये हिमाचल कॉन्ट्रैक्टर रेगुलर टीचर यूनियन की है। ये हमारी कुछ डिमांड्स हैं गवर्नमेंट से कि जैसे गवर्नमेंट ने कमीशन और बैच वाइज के थ्रू अपॉइंटमेंट स्टार्ट की 2008 और 2009 से, और 2010 से कमीशन शुरू किया और फिर उसके बाद रेगुलर होते होते लोगों को 6 साल में, कोई 5 साल में, कोई 4 साल में, कोई 3 साल में, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है, जो रेगुलेशन चली है वो 3 साल में रेगुलर कर रही है, लेकिन जो 2008 और 9 और 10 में है उन लोगों को 6 साल कहीं को 7 साल तक भी चले गए। तो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड ये है कि हमें जो सीनियोरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दी जाए, वो सीनियोरिटी ऑफ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के की वजह से वो नहीं मिल पा रही है। इसका सबसे बड़ा लॉस जो हमारे एम्प्लॉयज़ को हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो जूनियर है वो सीनियर हो जा रहा है। जैसे कोई अपॉइंट हो गया है, जैसे कोई पीएन की पोस्ट पे भी है या क्लरिकल की पोस्ट पे भी है, अगर वो 2014 तक वो क्लियर पीएन की पोस्ट पे रहे तो 15 को जाके क्लरिकल की पोस्ट में चला जा रहा, लेकिन एक टीजीटी जो है हमारा वो अपॉइंट 2008-09 में जाके 2015-16 में जाके रेगुलर हो रहा, और हमारा जो क्लर्क है जो 8 और 9 में लगा है वो जाके 15-16 में, तो पीएन उससे ऊपर चला जा रहा। यही हाल हमारे टीजीटीज़ का है। टीजीटीज़ में प्रमोशन गवर्नमेंट ने लगाया है कि 5 साल के बाद इनको जब रेगुलर जॉब हो जाएगी तब जाके उनको प्रमोशन मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर वो 5 साल वेट करने 15 में रेगुलर हो गए ना तो 15-20 तक चले जा रहे हैं, तो वो ये इतना बड़ा लॉस हो जा रहा है सर एम्प्लॉयज़ को कि एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा सफ़र है। और हमारा एम्प्लॉयज़ 50 से 60 हज़ार के करीब है। कल भी हम विधानसभा में, तपोवन में, धर्मशाला में गए थे, हमारी स्टेट कमेटी गई थी, तो वो सारे हमारे जितने भी परसों गई थी, तो वो जितने भी हमारे ये हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको सबको मेमोरेंडम दिया है, और मेमोरेंडम देने के बाद सबसे बात की है, सीएम साहब से बात की है, और सीएम साहब ने भरोसा दिया है कि हम आपकी डिमांड्स जायज़ हैं। और हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये आई है, अभी हमने विधानसभा क्वेश्चन भी लगवाया था, वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो सीनियोरिटी क्यों नहीं दे रही है, तो सरकार का जवाब ये आया वहाँ पे कि ये उस टाइम पे ये जो लोग हैं ये एक अस्थाई स्थिति है, तो अस्थाई स्थिति में जो है वो उनको प्रमोशन नहीं, एकदम से जो है वो सीनियोरिटी नहीं दी जा सकती। लेकिन हमें गवर्नमेंट को ये मानना पड़ेगा कि अस्थाई व्यवस्था कैसे हो सकती है, जब रिक्रूटमेंट और प्रमोशन रूल्स 2008-09 के अंदर, और जिसमें 1971-72 के अंदर पहले लोग लगते थे, बाद में उसको कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में लाया गया, तो सारे के सारे रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल्स के अंदर लग रहे हैं, रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल्स के अंदर लग रहे हैं, जब आरएनपी के अंदर लगे तो अस्थायी व्यवस्था कैसे हो सकती है।
अस्थायी व्यवस्था, तो तब हम मान सकते हैं कि वो जो आरएनपी के अंदर नहीं लग रहे हैं। और इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा ये लगा वहाँ पे कि ये क्वेश्चन इस तरह से लगना चाहिए था कि क्या जो आरएनपी रूल्स के अंदर लोग लगे हैं, क्या उन्हें वो गवर्नमेंट सिन्योरिटी देने के बारे में गवर्नमेंट क्या विचार कर रही है, तो इस तरह से क्वेश्चन लगना चाहिए था। इसकी हमें थोड़ा सा हो सकता है कि हमारी थोड़ी सी कमी रह गई हो, तो हम सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं अगली बार विधानसभा होगी तो हम इस क्वेश्चन को जरूर लगाएंगे। अभी हम सीएम साहब से तो मिल के आ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी आज डिस्ट्रिक्ट लेवल कार्यकारिणी की मीटिंग है, इसमें हम थोड़ी कुछ चीज़ें डिसाइड की हैं। हमने डिसाइड करने के बाद हम जो फैसला होगा वो स्टेट को बताएंगे, स्टेट दोबारा से फिर सीएम साहब के साथ मिलने जाएगी।